हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगले हफ्ते दिवाली है तो क्यों ना इस बार हम खुद बनाई हुई चॉकलेट्स सबको खिलाएं। चॉकलेट बनाने के लिए हम 3/4 कप डार्क कंपाउंड और 1/4 कप मिल्क कंपाउंड लेंगे। उसे डबल बॉयलर में मेल्ट करेंगे। हम बड़ा बर्तन लेंगे ताकि इसमें थोड़ा भी पानी ना जाए। हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जाएंगे। अगर आप इसे यूं ही रख देंगे तो ये नीचे से कड़क हो जाएगी। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। जब ये चॉकलेट 80% मेल्ट हो जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे और पानी की स्टीम से ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे नट्स। मैंने काजू और बादाम को छोटा छोटा काट लिया है और इसे सॉल्टेड बटर के साथ रोस्ट कर लिया था। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। मेरे पास ये शिगार शेप का मोल्ड है और इसमें हम थोड़े वेफ़र बिस्किट डालेंगे। मैंने चॉकलेट फ्लेवर वाले वेफ़र बिस्किट लिए हैं। चॉकलेट को हम मोल्ड में डालेंगे। इसे बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमें इसमें फिर वेफ़र बिस्किट डालना है और फिर एक और लेयर मेल्टेड चॉकलेट की डालनी है। इस तरह से सारी कैविटीज़ भर लेंगे और एक टैप देंगे ताकि इसमें जो एयर है वो निकल जाए। मैं वेफ़र बिस्किट रखेंगे। ये वेफ़र बिस्किट ये शेप का नहीं था, मैंने इसके मोल्ड के हिसाब से इसे कट कर दिया है। वेफ़र बिस्किट को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और फिर इसमें एक और लेयर मेल्टेड चॉकलेट की डालेंगे। हमें इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गैप रह जाएगी तो हमारे जो वेफ़र बिस्किट है वो दिखेंगे। अब आप अगर चाहते हैं तो कोई और फ्लेवर का भी वेफ़र बिस्किट ले सकते हैं। हम फिर से इसको टैप कर देंगे और जितना हो सके इसके साइड्स में से चॉकलेट निकाल लेंगे ताकि जब ये निकलेगी तो ये एक्स्ट्रा जो चॉकलेट्स जो साइड में है वो नहीं होगी। इसे एक और टैप देंगे और 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। हम अब दूसरी चॉकलेट तैयार करेंगे। मेरे पास ये सिलिकॉन मोल्ड है। इसमें हम सबसे पहले गोल्ड डस्ट अप्लाई करेंगे। मेरे पास ये पाउडर्ड गोल्ड कलर है। इसको हम ब्रश की मदद से चॉकलेट के मोल्ड में हम लगा लेंगे। मार्केट में बहुत अलग तरह के कलर्स भी अवेलेबल हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजीली अवेलेबल है। इससे चॉकलेट में बहुत अच्छी शाइन आती है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ही मुझे चाहिए तो आप थोड़ा लगाएं। अगर आपको किसी एक ही पार्ट में लगाना है तो आप उस हिसाब से भी लगा सकते हैं। हम इसे एक मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। एक मिनट के बाद हम इसमें मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे। इसके लिए भी मैंने वही क्वांटिटी ली है, 3/4 कप डार्क कंपाउंड और 1/4 कप मिल्क कंपाउंड। इसमें मैंने नट्स नहीं डाली हैं। हम इसे पूरा ऊपर तक भर लेंगे। ज़रा सा टैप करके अब हम इसे टर्न कर लेंगे। इसमें जो जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो सारी निकल जाएगी। इस तरह से करने से हम इसमें कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं। हम एक्सेस चॉकलेट को निकाल लेंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज में रखेंगे। हमारी सिगार वाली चॉकलेट तैयार हो गई है। प्लास्टिक मोल्ड से चॉकलेट को डीमोल्ड करना सबसे इजी होता है। हम देख सकते हैं कि साइड में थोड़ी सी चॉकलेट रह गई है तो हम इसे चाकू की मदद से थोड़ा सा निकाल लेंगे। ये बहुत इजी है करना और इससे चॉकलेट बिल्कुल भी टूटती नहीं है। बहुत आसानी से इसके साइड्स में से चॉकलेट निकल जाती है। इसी तरह से हम सारी चॉकलेट को फिनिशिंग दे देंगे।
चॉकलेट को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था और इसे पाइपिंग बैग में डाला है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पाइपिंग बैग में डाल रहे हैं तो चॉकलेट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्की सी ठंडी हो। आप अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हैं, अगर आप यूं ही रखना चाहते हैं तो ये वैसे भी अच्छी लग रही है। इस तरह से हम चॉकलेट को डेकोरेट कर लेंगे। मोल्ड में जो हमने चॉकलेट को डाला था वो रेडी हो चुका है, इसमें हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग के लिए मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट किया है और उसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाले थे। जैसे ही आप फ्रेश क्रीम डालेंगे तो ये गाढ़ा होने लग जाएगा, ये पनीर जैसा सॉफ्ट हो जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके इसे कैविटीज़ में डालेंगे, हम इसे पूरे ऊपर तक नहीं भरेंगे, थोड़ी सी गैप रहने देंगे। अगर आप फ्रेश क्रीम नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करेंगे तो थोड़ी सी लिक्विडी होगी। मैंने क्रीम इसलिए डाली थी क्योंकि ये वाइट चॉकलेट बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो उसका स्वीटनेस बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी क्रीम डाली है। हम सारी कैविटीज़ को इसी तरह से भर देंगे। इसको हम कवर करेंगे मेल्टेड चॉकलेट से। ये वही चॉकलेट है जो मैंने कैविटीज़ में भरी थी। अगर चॉकलेट ठंडी हो जाए तो इसे हम फिर से प्रीहीट कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी गैप नहीं रहे। हम इसे एक टैप देंगे और एक्सेस चॉकलेट को निकाल लेंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज में रखेंगे। ये ठंडी हो चुकी है बिल्कुल, अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। सिलिकॉन वाले को डीमोल्ड करना इजी है, हम नीचे से इसे पुश करेंगे तो चॉकलेट बाहर आ जाएगी। हमारी चॉकलेट तैयार है, आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी शाइन आई है। हमारी दोनों चॉकलेट तैयार हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।